नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अमेरिकी चुनाव को लेकर पाकिस्तानी एक अजीब दुविधा में फंसते नजर आ रहे हैं। अमेरिका में बसे पाकिस्तानी समुदाय को लेकर यह तय माना जा रहा था कि वो साल 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए ही वोट करेंगे। अब डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति के पद पर भारतीय अफ्रीकी मूल की कमला हैरिस खड़ी है, जिससे पाकिस्तानी अमेरिकी के लिए फैसला करना मुश्किल हो गया है। लाखों पाकिस्तानी अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप का कड़ा विरोध करते आए हैं। अब ट्रंप के इस्लामोफोबिया और प्रवासियों को लेकर उनकी नीति को लेकर पाकिस्तानी अमेरिकी समुदाय में गुस्सा है। अप्रैल 2019 में जब पाकिस्तान ने अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे अपने नागरिकों को वापस लेने से इनकार कर दिया था, तो ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगा दिए थे। अमेरिका ने पाकिस्तान के शीर्ष अधिकारियों समेत कई लोगों के वीजा रोक देने की भी धमकी दी थी। और पिछली बार भी जब ट्रंप ने चुनाव लड़ा था तो पाकिस्तानी अमेरिकी एक मत थे कि ट्रंप के आने पर पाकिस्तान और मुस्लिमों के खिलाफ नफरत बढ़ेगी। और इस समुदाय के कई लोगों ने यह भी कहा कि ट्रंप के खिलाफ उम्मीदवार चाहे कोई भी हो, वो ट्रंप को वोट नहीं देंगे। उसके बाद साल 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रैवल बैन लगाया था, जिसमें से ज्यादातर मुस्लिम देश थे, और इसी दौरान कई मुस्लिमों को अमेरिका जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता। वैसे इस सूची में अमेरिका का नाम नहीं था, लेकिन पाकिस्तानियों को डर लगा था कि अगला नंबर उनका हो सकता है। ट्रंप और मोदी की दोस्ती की वजह से भी अमेरिकी पाकिस्तानी समुदाय उनसे दूरी बनाकर चल रहा था। अब इन सब के बावजूद पाकिस्तानी अमेरिकी समुदाय एक बार फिर से ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि क्या उन्हें ट्रंप को समर्थन देना चाहिए। इसके पीछे वजह है रिपब्लिक का कैंपेन या फिर डेमोक्रेट के उम्मीदवार के तौर पर जो बाइडेन का नामांकन नहीं है, बल्कि बाइडेन की रनिंग मेट के तौर पर उनकी पसंद कमला हैरिस है। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला है और उनकी भारतीय विरासत भी खूब चर्चा में है। कमला हैरिस की मां श्यामला गोपालन चेन्नई में पैदा हुई थी और शोध कार्य के लिए 1960 में भारत से अमेरिका आई थी। उनके पिता डोनाल्ड हैरिस एक विख्यात अर्थशास्त्री हैं। वो जमैका से अमेरिका आए और कमला हैरिस की किसी पहचान की वजह से तमाम भारतीय उत्साहित हैं तो पाकिस्तानी मायूस हुए हैं। बाइडेन अगर चुनाव जीतते हैं तो वो अमेरिका के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति होंगे, यानी अगले चुनाव में कमला हैरिस डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार भी बन सकती है। यानी ये चुनाव सिर्फ उपराष्ट्रपति पद के लिए ही नहीं है, बल्कि अमेरिका के अगले राष्ट्रपति का भी हो सकता है। अब पाकिस्तानी अमेरिकियों को ये चिंता है कि हैरिस जो कैलिफोर्निया से सांसद है, वो अगर चुनी जाती है तो कश्मीर पर उनका रुख पक्षपातपूर्ण हो सकता है। कईयों को तो इस बात का भी डर है कि कमला हैरिस चुनाव जीतने पर पाकिस्तान के मुकाबले भारत को ज्यादा तवज्जो देंगे। और हालांकि कई विश्लेषक पाकिस्तानियों की इस धारणा से बिल्कुल सहमत नहीं है। उनका ये कहना है कि कमला हैरिस पाकिस्तानी अमेरिकियों से अपनी भारतीय पहचान की वजह से दूरी बनाकर रखेंगी, और वास्तव में कमला हैरिस के भारतीय अमेरिकी के रिश्तों को लेकर जो विचार हैं, उससे भले ही पाकिस्तानी अमेरिकी मतदाता या फिर विदेश नीति में ज्यादा दिलचस्पी लेने वाले लोग दूरी बना सकते हैं, लेकिन कश्मीर ही एक ऐसा मुद्दा है जहां पर भारतीयों का उत्साह फीका पड़ रहा है। अभी मतदान होने में काफी टाइम है और चुनाव में जनता का मूड बनाना और मूड डाइवर्ट होना आम बात है। अब देखना ही होगा कि कमला हैरिस को पाकिस्तानी अमेरिकी वोट देते हैं या नहीं।